इंडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब देते हैं खबरों को विस्तार। पहली खबर हमारे पास आ रही है जहां पर शिक्षा विभाग की जो दुर्दशा है वह बताई गई है। स्कूल में जहां बच्चे झाड़ू लगाते हैं, पानी भरते हैं, प्रदेश सरकार भले ही शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने का कितना प्रयास कर ले, लेकिन इन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं दिखाई देते हैं। नतीजा यह रहता है कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। सरकार ने स्कूल खोलने का समय तय किया हुआ है, लेकिन शिक्षक अपने समय से काफ़ी देरी से आते हैं। और आखिरकार इन सरकारी स्कूलों के बच्चों को ही समय पर स्कूलों के ताले खोलकर झाड़ू और साफ़ सफाई का कार्य करना होता है। यही नज़ारा गुरुवार को ग्राम झिलीपुर समतपुर ढिमरौली में देखने को मिला। आंगनवाड़ी बंद पाई गई और सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर जहां शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई ना करने से स्कूलों में शिक्षकों का समय पर ना पहुंचने का यही रिवाज और रवैया बना हुआ है। जब कभी अधिकारियों द्वारा अचानक पहुंचकर जांच की जाती है तो यह स्कूलों की जांच मात्र रस्म अदायगी भर रहती है। इन लापरवाह शिक्षकों पर उचित कार्रवाई ना कर सिर्फ शो कॉज नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, जबकि विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि जाँच के उपरांत लापरवाह शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई की जाए। गंज वासुदा से एल एन चौबे की एक रिपोर्ट। मेरा नाम सोहित है। कौन सी कक्षा में हो आप? कौन से कितने बजे खुलता है स्कूल? 11 बजे डेली। हाँ। कितने बजे बंद होता है? 4 बजे। 4 बजे होता है। 11 बजे का अभी तक टीचर नहीं आए। कितने टीचर आते हैं यहाँ पर? 2। अच्छा, कौन कौन आते हैं? राम सर और राकेश सर। आयुषी। आयुषी, स्कूल किसने खोला था बेटा? आज हमने खोला था। अच्छा, झाड़ू किसने लगाई थी? हैं, रवि ने लगाई थी। बेटा स्कूल रोज कौन खोलता? सर हमने नंबर बनाए। रोज जनगणना वन करवाती हैं आप? यस सर। तो आज तो नहीं करवाई बेटा आपने? शाम को करवाती हैं। शाम को करवाती हो? तो 11 बजे के अभी तक आपके टीचर आए नहीं, तो आप ही करवाती हो डेली? यस सर।